नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 22 में बने अटल आवास में एक बड़ा हादसा हो गया। अटल आवास में बनी सीढ़ी अचानक गिर गई, जिससे यहां निवासरत लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नालंदा ग्राउंड के पीछे सुंदर विहार अटल आवासों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां रहवासियों से जब बात की गई तब उन्होंने कहा कि हमें भय है कि आने वाले समय में बारिश से कहीं पूरी बिल्डिंग ना गिर जाए, यह कहा नहीं जा सकता। नालंदा मैदान के पीछे अटल आवास में निवासरत लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि एक ब्लॉक की सीढ़ियां आज सुबह एकाएक भरभरा कर गिर गई हैं, जिसमें रमजान अंसारी के परिवार को चोटें आई हैं एवं उनकी एक्टिवा मलबे में दब गई है। आने वाले दिनों में किसी प्रकार की जानोमाल की हानि होने की गंभीर आशंका भी है। साथ ही इन क्षेत्रों में सीवरेज के पानी का बहाव निरंतर सफाई न होने के कारण आम रास्तों पर हो रहा है, जिससे यहाँ की जनता को गंदगी भरे रास्तों पर चलकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे यहाँ की जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। बारिश में तो यहाँ सांस लेना भी दुभर हो गया है। हम लोग 15 साल से 14 साल से ये कॉलोनी में बसा है। हम लोग को निगम ने आवेदन पत्र से हम कब्जादारी है, फिर भी हम लोग को अपना नाम कराया है। हम नाम कराया तभी बहुत मुसीबत में फंस गया। कॉलोनी पूरा डिसमेनिंग करने को टाइम होने जैसे हो गया है, तब टूटा फूटा हो गया। हमारा बाल बच्चा को नुकसान हो रहा है। आज एक सीढ़ी गिर गया, उसको एक लड़की और माँ बच गया। हम लोग को साथ में रहा था, वही रात को पानी गिरते समय गिरेगा तो हम सभी एक साथ में मर जाएंगे। हमारा कॉलोनी को रिफरिंग कराना, कोई कार्रवाई कराना, कोई नेता लोग आता है वोट देने बोलता है, वोट देंगे सब अपना घर में रहेगा। ऑफिसर लोग आता है, ऑफिसर लोग अपना घर में रहेगा। निगम का कोई मीडिया कोई भी हो अपना घर में रहेगा। हमारा कॉलोनी को देखने को कोई अधिकार नहीं है। हमारा नेता है किस चीज़ का, कॉलोनी में क्या हुआ तो देखने के लिए ना, कोई देखने के भी नहीं आता, कोई पूछता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस को 4 बार फोन किया, एम्बुलेंस नहीं आया। हम क्या हाल हो जाएंगे बताइए ना। सभी लोगों ने, कोई ऑफिसर है, कोई निगम है, सरकार है, सरकार तो इतना सुविधा दे रहा है, अरे कॉलोनी का बात कर रहा है, अपना घर घर दे रहा है, हमको क्या दे रहा है। कॉलोनी में एक गरीब है करके एक कोने में फंसा दिया, गरीबी के कारण से हम लोग को भूखे मर रहा और ऊपर से घर गिर के भी मरेंगे। जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ सीढ़ी जो है वो डिसमेंटल हो गई है, तो इंजीनियर को भेजा गया है वहाँ पे क्या पूरे देखने के लिए। जो रिपोर्ट आई उसके समय समय पे वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो करवाई जाती है, और जहाँ जैसी वहाँ पे मांग आती है जिस प्रकार से तो पूरी सफाई टीम लगा के वहाँ पे सफाई की जाती है। इस प्रकार की ऐसी कोई छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की मंशा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, किंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आज भी सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। परंतु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं और इसका दोषी कौन है, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।